अचिंताय व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्ते श्री ब्रह्माणे नमः। आदरणीय दोस्तों, दर्शकों, प्यारे भाइयों, बहनों, ज्योतिष के अपने इस खास कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। कार्यक्रम धर्म क्षेत्र के माध्यम से हम बताएंगे कि आपके व्यापार में, आपके भौतिक जीवन में, आपके आध्यात्मिक जीवन में किस प्रकार से उन्नति हो, साथ साथ कुंडली के अंदर किस प्रकार का पापी ग्रहों का प्रभाव है, उन सभी विषयों पर हम आपको बताएंगे। साथ साथ गोचर में ग्रहों की क्या स्थितियां चल रही हैं, इस विषय पर सूक्ष्म चर्चा करते हुए आपकी जन्म कुंडली में फ्रूटफुल रिजल्ट के सब्जेक्ट में चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे। आदरणीय दोस्तों, दर्शकों, प्यारे भाइयों, बहनों, कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में जुड़ करके आप अपने जीवन की सभी पहलुओं पर चर्चा कर सकते हैं, चाहे आपका वो विवाह हो या वैवाहिक जीवन, आपके बच्चे की एजुकेशन हो या एब्रॉड जर्नी, करियर हो या करियर की ग्रोथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आप चर्चा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जुड़ सकते हैं कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में और जान सकते हैं अपने भाग्य भविष्य के विषय में और हम पूरी सहायता करेंगे इसके माध्यम से। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। हेलो, जय श्री राम पंडित जी। जय सीताराम, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, मैं अमित बोल रहा हूँ कानपुर से। जी अमित, जन्म तिथि बताएं। जी पंडित जी, मैं आपको बताना चाहता, मैं आपका कार्यक्रम बहुत दिनों से देख रहा हूँ जी, और मैंने आपको पहले भी फोन किया था और अपने भाई के बारे में पूछा था जी। जी, तो उसकी जॉब नहीं लग पा रही थी, तो आपने मुझे कुछ उपाय बताए थे, वो उसने किए और उसकी जॉब भी लग गई, अब सब कुछ ठीक चल रहा है। अमित जी, आप अपनी जन्मतिथि बताएं। धन्यवाद करना चाहता हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जन्मतिथि बताएं जी, अपने बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 जनवरी जी 1990 जी। जन्म समय? टाइम है मेरा सुबह 9:40। जन्म स्थान कानपुर जी। बताइए क्या प्रश्न है आपका अमित जी। मैंने ग्रेजुएशन मेरी चल रही है अभी जी, मैं जानना चाहता था ग्रेजुएशन के बाद मैं जॉब करूं या मेरे जॉब कैरियर के लिए क्या ठीक रहेगा। ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं जी, जन्म कुंडली के डीवन चार्ट को देखेंगे, चार्ट के फर्स्ट हाउस को देखेंगे, 10th हाउस को देखेंगे, 10th हाउस के लॉर्ड को देखेंगे। 10th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट को देखना बहुत जरूरी है दर्शकों। जन्म कुंडली का एक्सटेंशन 10th हाउस का एक्सटेंशन होता है D10 चार्ट। D10 चार्ट को भी देखेंगे। किसी भी जॉब में एक स्टेटिक करियर बनाने के लिए जन्म कुंडली के अंदर 10th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट किस हाउस में है और कौन कौन से प्लेनेट के द्वारा वो एस्पेक्टेड है, इन सब सारी चीजों को देखना बहुत ही जरूरी है। ग्रह की स्थिति, ग्रह के ऊपर पड़ रहे शुभ ग्रहों की दृष्टि, ये आपके कैरियर में 4 चांद लगा सकती है। जन्म कुंडली के दशम हाउस में स्वराशि का मंगल, मैं कह सकता हूं बहुत ही अच्छी पोजीशन में विराजमान है। केंद्रगत मंगल आपकी कुंडली में 16:02 का है, तो मैं कह सकता हूं कि आप अपने कैरियर में दिन दूना रात चौगुना उन्नति करेंगे। दोस्तों, ग्रहों की प्लेसमेंट और दृष्टियां और युतियां, इन सब विषय में मैंने आपको बता दिया। मैं आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली में दशांतर दशा का क्या महत्वपूर्ण रोल होता है। जन्म कुंडली के अंदर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, अन्य दशाओं का एक महत्वपूर्ण समय होता है, एक महत्वपूर्ण काल होता है। ये दशाएं किस समय में कब रिजल्ट देंगी, एक अंतरदशा का कम से कम पीरियड 6 से 6 महीने और मैक्सिमम 2.5 साल का होता है, तो ये देखना बहुत ही आवश्यक है कि कब ये दशांतर दशाएं आपको शुभ परिणाम दे सकती हैं। हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, लगातार दर्शकों का जुड़ने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ एक अगली कॉल है, मैं उनके साथ जुड़ना चाहूंगा। जी नमस्कार। आशा जी, जय सीताराम। जय सीताराम भैया जी, जय सीताराम। कैसी हो बहन जी? ठीक है भैया, आज बरेली से आए हैं। जी जी, आज आपका कार्यक्रम में आपकी कॉल लग चुकी है, आप अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए। नमन की? जी जी, नमन बड़े वाले की, जिसकी पूजा कराया था। किसी भी बेटे की जन्मतिथि दे दीजिए और किसी के बारे में जान सकती हैं। ये उसका है 8 मार्च 1995। जन्म समय? सुबह 7:45। जन्म स्थान? बाराबंकी। आशा जी, आज आपके पुत्र के विषय में बताऊंगा। ऑनलाइन आप इस समय चर्चा कर रही हैं टीवी के ऊपर और आप जान सकती हैं कि किस प्रकार से आप उत्तरोत्तर उन्नति आपका बच्चा कर सकता है। और मैं कहना चाहूंगा ईश्वर चैनल के माध्यम से आप उत्तरोत्तर
जानकारी ले सकती हैं। मीन लग्न की कुंडली में आपके बालक के जो आपका प्रश्न है, जो आपका सपना है, आप जान सकती हैं। मीन लग्न की कुंडली वृषभ राशि कृतिका नक्षत्र राहु की दशांतर दशा चल रही है। दशांतर दशाएं थोड़ी सी अनुकूल नहीं है। इस दशा के अनुकूल ना होने के बावजूद आपका पुत्र उत्तरोत्तर उन्नति करेगा, इसमें कोई दुराय की बात नहीं है। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, मैंने बता दिया कि ग्रहों की युति दृष्टि साथ साथ में स्थिति, इस विषय में मैंने एक नंबर के टॉपिक पर आपको छेड़ करके सब कुछ बता दिया है कि किस प्रकार से आप लाभ ले सकते हैं। दोस्तों उसके उपरांत मैंने बताया है कि दशा अंतर दशा, महादशा अंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा किस प्रकार से जन्म कुंडली के अंदर अपना रिजल्ट दे सकती है, जानना बहुत जरूरी है। दशांतर दशाएं 6 महीने से लेकर लगभग 2.5 साल तक मैक्सिमम चलती हैं, तो ये दोस्तों जानना बहुत जरूरी है कि क्या जब कोई व्यक्ति अपना नेचुरल क्वेश्चन करता है तो ये जानना चाहता है कि ये सब्जेक्ट किस वर्ष में, किस महीने में और कितने दिन के भीतर ये चीजें रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकती हैं। तो दशा का पीरियड को देखते हुए ये सब सारी चीजें जानना जरूरी है। इसके बाद जब हम किसी स्पेसिफिक रिजल्ट के ऊपर जाना चाहेंगे तो दोस्तों हमें खोलना पड़ेगा जन्म कुंडली का वर्ष फल, और जब तक आप वर्ष कुंडली को नहीं खोल लेते हैं तब तक आप किसी भी कुंडली के टारगेट तक नहीं पहुंच सकते हैं। वर्ष कुंडली का एक अहम रोल होता है और वर्ष कुंडली दर्शा देती है कि आप किस भांति अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। और यह वर्ष कुंडली, ये मान के चलिए कि ज्योतिष की भाषा में इसे कह सकते हैं सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, माइक्रोस्कोप की भांति रिसर्च के लिए जन्म कुंडली में वर्ष फल का अपना रोल होता है। वर्ष कुंडली के अंदर दोस्तों वर्षेस का अपना बहुत ही अहम रोल होता है, अहम किरदार प्ले करता है वर्षेस। उसके उपरांत में मुंथा, और साथ साथ में दोस्तों बताना चाहूंगा नाना प्रकार के चक्र वर्ष चक्र के अंदर बनते हैं। तो इन सब चीजों को जानने के लिए आप कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में जुड़ सकते हैं। दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं अपने पुत्र के विषय में, पुत्र की पढ़ाई के विषय, पढ़ाई के विषय में, अपने पति के विषय में, भाई बहन के विषय में, तो आप जुड़ सकते हैं और जान सकते हैं। दोस्तों हम और हमारी पूरी टीम आपके सहयोग के लिए बैठी हुई है और हमारे संस्थान के विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्यों के माध्यम से आप जुड़ करके अपनी वार्तालाप कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है तो आप हमें अपने दाहिने हाथ की हस्तरेखा की भी फोटो भेज सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर स्क्रॉल के अंदर चल रहे हैं। हमारे साथ दीपिका जी जुड़ रहे हैं। दीपिका जी स्वागत है कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में। सीताराम पंडित जी कैसी हैं मेरी बहन? बस एकदम बढ़िया पंडित जी। जी जन्म तिथि बताएं दीपिका। 30 नवंबर। 30 नवंबर, हाँ 30 नवंबर 1976। जन्म समय क्या है दीपिका जी? शाम के 5:30 बजे। जन्म स्थान? बड़ोड़ा, ये गुजरात में है। जी दीपिका जी आप हमारे कार्यक्रम धर्म क्षेत्र की कहें बहुत पुरानी दर्शिका हो चुकी हैं। हाँ, से आप कार्यक्रम धर्म क्षेत्र से जुड़ी हैं। आपके बताए हुए जो रेमेडीज है उसको भी फॉलो करती हूँ और मुझे काफी फायदा हुआ है। बिल्कुल बताइए क्या प्रश्न है आपका, आप कोई नया प्रश्न लेकर के आई हैं तो बताएं। हाँ पंडित जी मुझे ये जानना है कि जो दिक्कतें थोड़ी सी है जॉब में वो कब तक सॉल्व होगा? दिक्कतें चल रही हैं आपके जॉब में? हाँ। किस चीज की जॉब में हैं आप? मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हूँ। जी मैं आपको बताता हूँ दीपिका जी, आज बताऊंगा जो आज तक नहीं बताया है, आज आपको विशेष बताने वाला हूँ कि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर वर्षेश आपके स्वयं शनिदेव हैं। और आपको बताना चाहूंगा वर्ष कुंडली के अंदर शनिदेव स्कॉर्पियो साइन के अंदर बैठे हुए हैं, एकादश में शनिदेव, मैं कहता हूं वर्ष कुंडली के अंदर अच्छा रिजल्ट देते हैं। और आपकी कुंडली का भाग्य घर का लग्न वर्ष कुंडली में बनता है, लग्न पत्रिका का वर्ष कुंडली के अंदर लग्न बनती है, यह आपके लिए भाग्य या वर्ष आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। और वर्ष फल सूक्ष्म अध्ययन के लिए किया जाता है, मैं कह सकता हूं स्लोली मोमेंट में सक्सेस मिल रही है। लग्न और लग्नेश की दशा चल रही है तुला लग्न की पत्रिका के अंदर, जो लग्नेश है वही खष्टेश है। और जब लग्नेश अष्टम में जाता है, महर्षि पारासर का होरा शास्त्र कहता है कि व्यक्ति क्रोधी होता है, चिंतित रहता है, मानसिक रूप से परेशान रहता है, उत्तरोत्तर उन्नति में बाधाएं आती हैं। महर्षि पारासर का होरा शास्त्र बहुत सारी
विडंबनाओं के विषय में कहता है, लेकिन टीवी कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी चीजें हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों कहना चाहूंगा कि अष्टम में शुक्र लग्न कुंडली में आपको जीवटता प्राप्त कर देगा, जीवटता प्रदान करेगा, और इस जीवटता के माध्यम से आप दिन दूना रात चौगुना उन्नति कर सकती हैं। और आपकी कुंडली में कैप्रिकॉर्न की लग्न बन रही है वर्ष कुंडली के अंदर, और ये वर्ष कुंडली आपको मैं कह सकता हूं अच्छा रिजल्ट देने वाली है। दोस्तों वर्ष कुंडली क्या है, कैसे है, इस विषय पे हम आपको बताते हैं अभी। आदरणीय दोस्तों, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये वैदिक हिंदू एस्ट्रोलॉजी बहुत सारी चीजों को बताने की क्षमता रखती है, लेकिन निर्भर करता है कि आपको जो बता रहे हैं, जो बताने वाले हैं, उनके अंदर ज्ञान कितना है। मैं ज्यादा कुछ नहीं, मां सरस्वती की कृपा से यह बताने की पूर्ण कोशिश करूंगा कि लग्न पत्रिका के अंदर आप वर्ष कुंडली को छोड़ नहीं सकते हैं, और यह वर्ष कुंडली उसी प्रकार से रिजल्ट देती है। मैं कहना चाहूंगा कि जन्म कुंडली का एक तरह से यह डीएनए है, और मैं कहना चाहूंगा दोस्तों वर्ष कुंडली का अपना एक अत्यंत महत्वपूर्ण रोल है। इसमें मुंथा का भी अपना रोल है, वर्ष शेष का अपना एक और महत्वपूर्ण रोल है। जन्म कुंडली के अंदर जिस प्रकार से पिता के गुण और माता के गुण बालक के अंदर आते हैं, उसी प्रकार से लग्न पत्रिका के बहुत सारे गुण वर्ष फल के अंदर भी आते हैं। दोस्तों वर्ष फल के साथ साथ समुदाय अष्टक वर्ग भी होता है। अष्टक वर्ग कहता है जिस भाव के अंदर 28 बिंदुओं से अत्यधिक संख्या हो वो भाव बहुत ही मजबूत हो जाता है। और ये अष्टक वर्ग की प्रणाली महर्षि जैमिनी और महर्षि मैत्रेय के द्वारा बताई गई है। और मैं कहना चाहूंगा दोस्तों अष्टक वर्ग के विषय में बहुत कम लोग छेड़ते हैं, क्योंकि यह मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शुभम जी। शुभम जी, कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन, कैसे हैं? गुरुजी प्रणाम। यशस्वी भव। शुभम, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 17 मई 17 मई 1970। जन्म समय क्या है शुभम? सुबह 6:45। जन्म स्थान? इलाहाबाद। ये क्या कार्य करते हैं आदरणीय शुभम? गवर्नमेंट जॉब में हूँ जी। बताइए प्रश्न क्या है आपका शुभम जी? एक तो मैं अपने स्वास्थ्य से बहुत परेशान हूँ इस समय जी। मेरा पेट बहुत प्रॉब्लम करता है मुझे, ठीक है, और एक संतान की समस्या भी चल रही है। तो बस यही पूछने के लिए फोन किया था कि वैसे काफी दिनों से हम आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। संतान को लेकर क्या दिक्कतें हैं, कृपया आप बताने की कोशिश करें। संतान इसमें गुरु जी है नहीं, 6 साल शादी के हो गए हैं। बिल्कुल, आप कुछ क्षण करें इंतजार, मैं आपको बताता हूँ। आज आपकी जन्म कुंडली को मैं पूर्णतः ओपन करता हूँ। शुभम जी, वृषभ लग्न की पत्रिका आपकी बनती है, लग्नेश एकादश में एग्जॉल्टेड होकर के मरकरी के मार्स के साथ में कंजक्ट है। और मैं कहना चाहूंगा लग्ना लॉर्ड की कंजक्शन 7th हाउस के साथ में है। जब लग्नेश और सप्तमेश एकादश में जाते हैं संतान प्राप्ति होती है, उसमें कोई दोराय नहीं है। और आपको कहना चाहूंगा महादशा राहु की चल रही है, राहु दशांतर दशाओं में चल रहे हैं, इस वजह से राहु की महादशा में अंतरदशा शनि की आई हुई है, कार्य क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं इस समय। अब रही बात संतान के विषय में, मैं इस विषय में सूक्ष्म अध्ययन करते हुए आपको बताने वाला हूं, और इसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करिए। आप कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में जुड़े हैं दोस्तों, कार्यक्रम धर्म क्षेत्र वो चीज है जिसके माध्यम से हम बताते हैं कि आप अपने जीवन में किस प्रकार से उन्नति कर सकते हैं। वर्षेश स्वयं चंद्रदेव हैं आपके शुभम जी, वर्षेश स्वयं चंद्रदेव हैं, और आपकी वर्ष कुंडली भी कैप्रिकॉर्न असेंडेंट की है, और चंद्रमा की पोजीशन जन्म कुंडली के 4th हाउस में है, और सप्तांश में देख रहा हूं D7 चार्ट आपकी कुंडली के अंदर, सप्तांश की भी सिचुएशन, सप्तांश में स्वयं चंद्रमा संतान प्राप्ति होगी, कोई रोक नहीं सकता है। यम यम कामम चिंतयते तम तम कामम प्राप्नोति। राहु का जब कभी दशांतर दशा हो, ओम श्री सिंह का पुत्राय नमः मंत्र का जप करें, ताम्र के पात्र में स्वयं सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं, संध्या के समय कोई भी डिसीजन ना लें, और साथ साथ में संध्या के समय यदि किसी भी ईश्वर को उन्मुख होकर के आप जप पाठ पूजा पाठ करते हैं, प्रसाद आदि चढ़ाते हैं, तो इससे आपको काफी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। रही वह संतान प्राप्ति के विषय में कह सकता हूं, टोरस असेंडेंट में स्वयं जुपिटर लगन में, तो संतान प्राप्ति में कोई दो राय की बात नहीं है। हमारे साथ राहुल जी जुड़ रहे हैं। राहुल जी स्वागत कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में।
गुरु जी जय सीताराम 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 अगो मोहि भा हनुमंता बिन प्रभु कृपा मिले नहीं संता। राहुल जी जन्म तिथि बताए। 6/12/1995 6/12/1995 जन्म समय सुबह 9 बजे। जन्म स्थान उत्तराखंड। उत्तराखंड बहुत बड़ा है। जन्म स्थान जिला बताए। नैनीताल। नैनीताल। राहुल जी प्रश्न करिए अपना। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी जॉब कैसी रहेगी। जॉब के विषय में जन्म कुंड के D1 चार्ट 10th हाउस के लॉर्ड लॉर्ड की प्लेसमेंट को देखेंगे और मैं कह देना चाहूंगा सरेटरन की दशा चल रही है, वीनस अंतर दशा में चल रहा है, जॉब लगने की पूरी योग चल रहे हैं, पूरी योग और घड़ियां चल रही कुंडली में। इससे अच्छा बेनिफिक पीरियड आपकी कुंडली में नहीं आ सकता। मैं कह सकता हूं सैटर्न लगना लॉर्ड है और कहीं ना कहीं दशांतर दशा में को रिलेट कर रहा है 10th हाउस से, तो जॉब लगने की पूरी सिचुएशन आपकी बनी हुई है। कार्यक्रम में जुड़े राहुल जी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जब कभी आप जॉब में जा रहे हैं तो आपकी कुंडली के 10th हाउस को देखना बहुत जरूरी है। 10th हाउस में D10 चार्ट में 10th हाउस को भी देखेंगे और साथ साथ दोस्तों सडबल के अंदर भी पोजिशन को देखना बहुत जरूरी है। सडबल के अंदर 10th हाउस की क्या पोजिशन है ये जॉब में और आपके बिजनेस में बताएगा। तो दोस्तों कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने एजुकेशन के मैरिटल लाइफ बिजनेस कोई भी सब्जेक्ट हो आप चर्चा कर सकते हैं और हम बताएंगे कि किस भांति आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में सचिन जी। सचिन जी स्वागत है। जय सीताराम गुरु जी। जय सीताराम। कैसे हैं सचिन? बढ़िया है गुरु जी। आपने बताया था गुरु जी मेरा वो डिप्लोमा का कोर्स पूरा हो गया। गुरु जी अब जॉब के लिए आपसे पूछना था, मैं बहुत दिन से आपका कार्यक्रम देख रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि है 20 अप्रैल 1992। 20 अप्रैल 1992 समय क्या है? दोपहर में 3:15। जन्म स्थान गोरखपुर। क्या जानना चाहते हैं गुरु जी? अब जॉब लग जाएगी, डिप्लोमा आपने बताया था ना वो कंप्लीट हो गया गुरु जी, जॉब के लिए मैं पूछना चाहता था। आपके जन्मांक को मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं अच्छी जॉब लगने के पूरे के पूरे योग बने हुए हैं सचिन जी, और मैं कह सकता हूं कि आप उत्तरोत्तर उन्नति करेंगे। लेकिन आपकी जन्म कुंडली के अंदर मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं वक्री बृहस्पति साथ साथ में पंचम का राहु आपको दिक्कतें दे रहा है। एजुकेशन हाउस में राहु कहीं ना कहीं आपकी विद्या प्राप्ति में दिक्कतें उत्पन्न कर सकता है। जब पंचम भाव में राहु बैठा हो तो पढ़ाई लिखाई में, विद्या प्राप्ति में, और पंचम भाव को जितने कारक रिप्रेजेंट करते हैं उन सभी चीजों में दिक्कतें उत्पन्न कर देता है सचिन जी। कार्यक्रम में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आपके घर में आपके बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में ना लगता हो तो ओम एम नमः मंत्र का जप कराएं। ओम एम नमः जिह्वा को तालू में लगा करके और सरस्वती मंत्र का पाठ कराएं। सरस्वती मंत्र का पाठ से आपके बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा, उन्नति करेगा। दोस्तों कार्यक्रम की समय अवधि को देखते हुए आप सभी लोग कार्यक्रम को धर्म क्षेत्र के माध्यम से जुड़ते हैं और बड़े ही ध्यान से देखते हैं, और कार्यक्रम के माध्यम से हम वही चीजें बताते हैं कि जो आपका पूरा परिवार एक साथ बैठ करके देख सके और आपका पूरा परिवार एक साथ कर सके। श्रद्धा वा लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रियां। दोस्तों यदि आपकी कॉल नहीं लग पा रही तो इन नंबरों पर टीवी स्क्रीन पर जो दिखाई पड़ रहे हैं आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को SMS भी कर सकते हैं। हमारे संस्थान के वरिष्ठ ज्योतिषाचार्यों के माध्यम से आपको सीधा रिस्पॉन्ड किया जाएगा और आप सभी की श्रद्धा और आप सभी की जुड़ने के लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ भजन भी है, प्रवचन भी है, आस्था का